पापा कहते अंदर बाढ़ दे, चलो अंदर ही बाढ़ देते हैं। देख रहे हो भाई घर की हालत देखो ना आने का नतीजा तो ये लो जी बाबा के मंदिर पर बिछ रहे हैं ईंट। भाई आगे बारिश पड़ रही है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कोई बारिश नहीं है इतनी, पर आगे बड़ी तगड़ी बारिश पड़ रही है, बड़ी तेज। अफसोस हो रहा बहुत ज्यादा। अब कैसे होगी मोटो ब्लॉगिंग, कैसे नहीं, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। जय श्री राम, सब राम राम। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है भाई एक न्यू वीडियो में। तो भाई सुबह सुबह तुम्हारे भाई का हो गया स्नान और मैं जा रहा हूँ अपने गांव। तो कौन कौन जा रहे हैं गांव मेरे साथ? मेरे साथ जा रहे हैं मेरे पापा जी और मैं गांव जा रहे हैं। आज गांव की ट्रिप होने वाली है। अब ऐसे ही करके ब्लॉग बना रहा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, और टाइम नहीं मिलता तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा काम में बिजी चल रहा हूँ, तो इस वजह से ऊपर से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता। तो भाई टाइम हो रहा है 8:38 हो रही है, 9 तारीख। तो यहाँ पे आके मेरा खाना, तो भाई सब खाना खा लीजिए। आज बनी है आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। तो भाई तुम्हारा भाई हो गया एकदम रेडी और मैं जा रहा हूँ सीधा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सीधा जा रहा हूँ गाँव। तो पापा को सिर्फ मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके आना है और थोड़ा मैं ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जाना है, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आना है मुझे। और देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा, राम जी की कृपा से कैसा नहीं। तो मिलते हैं आपको डायरेक्टली मोटो ब्लॉग के सेट पे, और राम जी की कृपा भी तो आज का भी दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तो जय श्री राम। तो भाई हमारी बाइक हो गई एकदम रेडी, हमारे पापा भी एकदम रेडी हो गए चश्मा लगा के, बिल्कुल रेडी। चलो, और यहाँ पे बन गया पानी की बोतल, ठंडा ठंडा पानी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, सबका ध्यान रखो, सब पर करो कृपा। चलो, आज इतनी गर्मी है कि बहुत ज़्यादा, पूरा पसीना बना लिया भाई मैं, कि बस पूछो मत ना। ये है गांव और हम जा रहे हैं अपने गांव। चलो, और बाकी आप अच्छा सा व्यू देख सकते हो। और मैं इस टाइम पहुंच गया हूँ ABS लालगढ़ जो आगे है 900 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ से फिर मुझे राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेके फिर मुझे गुलाबटी होते हुए अपने गांव पहुँचना है। और मेरा गांव जैसे कि आप लोगों को पता है 80 किलोमीटर है और 1.5-2 घंटे का रास्ता है बाइक से। और मेरे पापा जी बैठे हुए हैं सुपरमैन, पीछे चश्मा वगैरह लगा के ये बैठे हुए। चलो, ओह माय गॉड भाई, यहाँ पे मुझे फिर आधा घंटा फिर मुझे फंसना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना लालगढ़ पर इतना ट्रैफिक लगता है कि बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर नहीं ट्रैफिक लग रहा है, क्योंकि मुझे आगे से यूटर्न लेकर आना पड़ेगा ना, और पीछे देखना ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा यार। चलो, काफ़ी टाइम बाद में ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग। आज मुझे यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा कि इतना ट्रैफिक है, क्योंकि जब मैं कभी आता हूँ ना तो इतना ट्रैफिक लगा रहता है कि भरा रहता है। आज मुझे यहाँ पर ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे आगे ट्रैफिक दिखाई दे रहा, वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा ट्रैफिक तो नज़र आ ही नहीं रहा। चलो अच्छी बात है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ओ बस हमारे भैया, यूँ ना सुना भाई किसी की भी, ये सुना ही ना है, देख रहे हो भाई, इनसे दूरी बना कर चलना। कभी भी चलो, क्योंकि ये देखते नहीं है कहीं भी, एक सवारी के लिए कहीं भी मोड़ देंगे, ये बिल्कुल ना ऑटो वालों की तरह हैं। और हम आ गए हैं लालगुआ, तो ये लालगुआ ही है। और यहाँ पर भैया जाने वाले हैं सब लोग, कोई बुलंदशहर जाएगा, कोई दादरी जाएगा, कोई सिकंदराबाद जाएगा, और कोई जाएगा अलीगढ़, और कहाँ कहाँ जाएंगे लोग, सबके अलग अलग रास्ते हैं। कूड़े का पहाड़ जा रहा, वाह चल 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 चल, अपनी मौसम रखते थे यहाँ तो कीचड़ खाना कुछ ज़्यादा ही कर रहा था मामला। चलो 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 चल भाई, बस वाले भैया निकाल, पैर नहीं रखना मुझे बिल्कुल भी, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे तो। देखो दबा दे धूल वगैरह। चलो भाई हम आ गए हैं इंडियन पेट्रोल पंप पे, तो फटाफट से डलवाते हैं बसंती में पेट्रोल। चलो थोड़े से छीटे थे आगे, चलो कोई नहीं, यहाँ पर डलवाते हैं हम बाइक में पेट्रोल अपने में। 310 का डाल दे पेट्रोल है ना, हाँ
ठीक है ठीक है। ये हो गया जी हमारा 310 का पेट्रोल। ये लो दोस्त, चलो भाई हमारी बाइक में डल गया है 310 रुपये का पेट्रोल। हाँ डल गया, अब बैठो आराम से बैठना। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। तो ये हमारे गांव का है पीछे का रास्ता। तो हम फाइनली अपने गांव में हम पहुंच चुके हैं, हम आ गए अपने घर पे। यहाँ पर कुछ हो रहा दिखे, अब बहुत ज़्यादा घास है अंदर। नहीं पापा कह रहे अंदर बाड़ दे, चलो अंदर ही बाड़ देते हैं। देख रहे हो भाई घर की हालत देखो ना आने का नतीजा क्योंकि भाई बारिश जैसा मौसम है ना, तो देखो भाई पूरे में भैया घास 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 पूरा तेरी। और यहाँ पे तो कुछ मरा हुआ पड़ा, मतलब कैसा लग रहा है, जरा कुछ पिल्ले का बच्चा है या क्या है क्या नहीं पता नहीं, तो कुछ घर की हालत कुछ ऐसी है। देख लो भाई मुझे लग रहा है यहाँ पे बारिश तगड़ी पड़ी दिखे। अपनी वॉइस हो रही है चेक यहाँ पे है, ततैयाँ वगैरह भाई देख रहे हो क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। ततैयाँ भी पड़ गया पापा के पीछे है, लो इतना सारा खोद दिया ये डॉगों ने कि बस पूछो मत ना। और कुछ हालत है यहाँ की कुछ ऐसी, ये तो यहाँ पे पापा पार्क बन गया है यहाँ पे है, पार्क हो गया। अनल भाई वो है हमारी, ये पूरा का पूरा क्या हरियाली है ना पार्क। जैसे मैं सोचा था कि यहाँ पे पार्क बनाऊँगा छोटा सा, तो यहाँ पे सच में पार्क बन गया, बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर यहाँ पे एकदम पार्क बन चुका है क्लियरिटी। वैसे अलग ही व्यू आ रहा है कैमरा में, कोई कुछ भी कहो। और घर का कुछ ऐसा व्यू है देख लो भाई, बारिश के मौसम में पूरी ऐसी तैसी हो गई मकान की। तो ये लो जी बाबा के मंदिर पर बिछ रही है ईंट, तो चलते हैं भाई अंदर। कुछ दिन पहले आया तो यहाँ पर इतनी गंदगी की थी बहुत ज़्यादा, और अब यहाँ पर चल रहा है काम। अब कुछ हालत तो है कुछ ऐसी, और बाद में देखना क्या हालत होगी, सुधार आ जाएगा मंदिर के अंदर और एकदम सफा सुथरा, और फूल वगैरह लगेंगे जो भी है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। अभी बस बने रहो हमारे ब्लॉग में। हाँ भाई तो कुछ कह रहा था है, कुछ कह रहा था है, तुझे रोटी भी दी इसको रोटी भी डाली पर रोटी नहीं खाई। अरे ना खा मजे ले रहा है भाई, एक वो आ गया। हाँ भाई पापा इसको दो, इसको दो आ गया। ओए नहीं चुप ऐड देगा, तू तो खैर रोटी खाएगा ना, दूसरे को ना खान दे। चलो ये खा लेगी आराम से। नहीं नहीं ये बहुत शैतान है, खाया नहीं इसने कुछ भी, बस देख रहा रोटी, अब बस मस्ती करने पे लगा पड़ा। ये भूखी है इसको दे दो, ये खा लेगी। चलो हाँ, तो भाई हम जब भी आते हैं ना अपने गांव, हम कुछ ना कुछ इनके लिए हम लेके जरूर आते हैं 100%, हम जब भी आते हैं हर बार। और वो बैठे हमारे बाबा, बाबा की तस्वीर है। तो भाई हम तो आ गए सीधा नहाने के लिए, कुआं जहाँ पे चल रहा है देख लो, कुआं चल रहा है, और तुम्हारा भाई नहाने के लिए जाएगा और साथ में जाएंगे हमारे पापा जी। चलो पापा जी स्नान करते हैं, देखो एकदम ठंडा ठंडा पानी भाई साहब, नेचुरल पानी है एकदम, जिसे बोलते हैं ना एकदम शुद्ध पानी वो। और यहाँ पे ईक वगैरह बोला थी चले। और सामने देखो आमियों का बाग है, आमियों का बाग है सामने। चलो फटाफट से मैं नहाता हूँ, तो भाई मेरा स्नान हो गया, यहाँ पे पापा जी का भी स्नान हो गया है। अब ठंडे हो गए तुम, सही रहे है ना भाई, हम तो ठंडे हो गए अब, और कपड़े वपड़े पहनते हैं, अब सीधा हम निकलते हैं घर की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है चलो बाय बाय, आराम ध्यान रखना है। ठीक है पापा। तो भाई साहब मैं निकल चुका हूँ अपने गांव से सीधा शहर की तरफ, और भाई साहब बारिश पड़ गई थी बीच में, तो इसलिए मैं अपने गाँव में रुक गया था। तो देख लो भाई मौसम कैसा हो रहा है यहाँ, तो खैर बारिश पड़ जाती है, वो भी दबके बारिश पड़ती है यहाँ पे, हमारे उधर की तरफ बारिश नहीं पड़ती गाजियाबाद की तरफ। और देख लो भाई क्या मशीन खड़ी हुई है यहाँ पे, पता नहीं क्या मशीन है क्या नहीं। मेरा जो मिशन है घर तक पहुँचने का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभिमन्यु। वाओ अलग ही है मार्केट, गाँव की मार्केट ऐसी होती है कि जहाँ पे या तो चार दुकान मिलेंगे या पाँच दुकान मिलेंगी, और थोड़ा आगे बरामदे टाइप का होगा जैसे कि कुछ यहाँ पे है, देख रहे हो ना, तो सही बना हुआ है, खुली खुली हवा और सारा कुछ नेचुरल। तो अभी फ़िलहाल तुम्हारा भाई जाएगा एंजॉय करता हुआ, वो भी आराम से,
मैं स्पीड में नहीं जाने वाला बिल्कुल भी, थोड़ा मंदा मंदा जाऊंगा और आप लोगों से बातचीत करता हुआ और अच्छे अच्छे नेचुरल चीज़ें दिखाता हुआ। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा घर जाके कि मैं कुछ चीज़ ना चेंज करने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी मैं चेंज करूँगा वो चीज़, क्योंकि अभी जो चल रहा है सितंबर चल रहा है, तो सितंबर और अक्टूबर में क्या है कि अक्टूबर में मेरा ऑपरेशन हो सकता है, तो इसलिए अक्टूबर और नवंबर में मैं काम नहीं कर पाऊँगा, उससे पहले मुझे अपना काम करना होगा। और यहाँ पे आ चुकी है यार बारिश, तो मुझे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और हर जगह अभी मैं मंदिर के स्टैचू बने हुए हैं, तो यार मुझे कहीं या तो रुकना पड़ेगा, देखता हूँ। तो GoPro भी है मेरे साथ और यहाँ से ऊपर से बारिश भी आ चुकी है, तो देख लो यार बारिश आ चुकी है। और अभी क्या है कि अभी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, क्योंकि बारिश नहीं है पड़, तो थोड़ा छुपने की देख रहा हूँ चुके। और बाकी मैं इस सेटअप को करता हूँ यहीं पे क्लोज, क्योंकि बारिश आ चुकी है। मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ, या तो सीधा घर पे मिलूँगा या बीच में मिलूँगा, ठीक है। तो भाई आगे बारिश पड़ रही है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कोई बारिश नहीं है इतनी, पर आगे बड़ी तगड़ी बारिश पड़ रही है, बड़ी तेज। देखो आगे बारिश है और यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, इधर कम है पर उधर ज़्यादा है। और ये खड़ा तुम्हारा भाई, पर आगे काफ़ी तेज़ बारिश है। और यहाँ पे बैग वगैरह ऐसा ही है मेरे पास। और चलो ठीक है, बाय बाय। देख रहे हो भाई यहाँ पे एकदम सूखा सूखा है और यहाँ पे एक भी बारिश की बूंद भी नहीं है, देख लो यहाँ पे बारिश पड़ी नहीं है। और तुम्हारा भाई पूरा का पूरा भीग चुका हूँ, देख लो भाई कितना गीला गीला हो गया मैं। देख रहे हो, देखो पूरा का पूरा गीला। और सिर्फ ये 2 किलोमीटर के दायरे में बारिश पड़ रही है, लगा लो। और आगे बारिश बिल्कुल है ही नहीं, देख लो मौसम हो रहा भाई बारिश जैसा। इधर से आया हूँ मैं और मुझे जाना है इधर की तरफ, और यहाँ पे बने हैं गरम गरम टिक्की, जो कि मैं अभी खाने वाला हूँ। तो भाई हमारे आगे गरम गरम टिक्की, तो भाई टिक्की खा लो, खाते हैं फटाफट से। तो भाई मैं तो आ गया हूँ सीधा अपने घर पे, और आए हुए को हो गया मुझे 1 घंटा, तो 1 घंटा इसलिए हो गया भाई, और ज़्यादा ही हो गया वैसे तो आए हुए को। तो मैं आ गया था कितने बजे, मैं आ गया था 4:30 बजे ऋषि के पास, फिर वहाँ पर मैंने 1 घंटा वहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर आए हो गया मुझे 1 घंटा, तो इसलिए हो गया मेरा 1 घंटा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरा भाई जो है GoPro जो अडेप्टर है ना, जो सप्लाई करता है हेलमेट में वॉइस रिकॉर्डिंग, जो आप कहते हो कभी कभी कि यार वॉइस थोड़ी कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम जो थी ना वो एकदम ख़त्म हो गई। और वो ख़त्म कैसे हो गई मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई माइक अडेप्टर जो कि मैं हेलमेट में यूज़ करता हूँ, और जो लगता है क्योंकि यही है वॉइस को सपा तरीके से GoPro में, जैसे मैं राइड वगैरह करता हूँ तो यही चीज़ है जो अच्छा तरीके से वॉइस सप्लाई करता है, और मतलब वॉइस को करता है रिकॉर्ड, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और ये बहुत ही महंगी चीज़ है, तो महंगी इतनी है कि आप लोग सर्च करोगे तो ये अमेजोन पर दिखाया गया कि 5,000 रुपये 4,500 अलग अलग रेट दिखाता है, पर ये 4,500 या 5,000 रुपये के आसपास की चीज़ है ये। और ये आपको यकीन नहीं लग रहा होगा कि यार ये इतने का है या नहीं, पर आप ना सर्च कर लेना GoPro माइक अडेप्टर, ठीक है, तो ये सर्च कर लेना, तो ये इसका जो प्राइस है 4,500 या 5,000 के आसपास का होगा। तो लगा लो ये हो गया मेरा बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि जो आप लोगों ने एक क्लिप देखी होगी बहुत छोटी सी थी, वो क्लिप देखना, और वो अगर नहीं देखी है तो वो मैं अब डाल दूंगा, तो वो क्लिप देख लेना। वो जो क्लिप जो मैंने जो रिकॉर्ड जो करी थी, वो रिकॉर्ड मैंने अचानक से मैंने रिकॉर्ड की, और जो बंदर वगैरह आए थे तो वो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की कि हाँ कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उस रिकॉर्ड में मैंने कुछ बोला था, पर मेरी वॉइस उसमें आई नहीं बिल्कुल भी। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है मेरे साथ, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, क्योंकि मेरे 2-4 ब्लॉग भी बेकार हो चुके हैं, तो इस वजह से बार बार ना मैं कुछ एडिट करके डालता हूँ, मैंने चल अब नहीं तो अब। तो मैंने आज फाइनली देखा तो इस अडेप्टर में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी इसलिए है क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ऊपर से बीच बीच में जब मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ तो वॉइस नहीं आती है बिल्कुल भी, वीडियो तो रिकॉर्ड होता रहता है पर मेरी वॉइस नहीं आती। तो ये हो चुका है भाई साहब एकदम ख़राब, और मेरा लग चुका है चूना, 5,000 रुपये का चूना लग चुका है, लगा लो, अफसोस हो रहा बहुत ज़्यादा। अब कैसे होगी मोटो ब्लॉगिंग, कैसे नहीं, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। चलो ये तो खैर हो गया नुकसान, अब इसके बाद जो जो अडेप्टर आएगा वो आप लोगों ने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा,
वो नई चीज़ है और वो बहुत तगड़ा सेटअप करने वाला हूँ कि जो आज तक किसी ने सोचा है, पर मैंने सोचा है फर्स्ट टाइम कि मैंने वो चीज़ ना ढूंढ के निकाली है कि हाँ वो चीज़ बेस्ट है। पर वो चीज़ ना इससे महंगी है, ये इससे इतनी महंगी है कि बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, करते हैं उसको भी लेते हैं, पर उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ और, जो आप लोगों ने क्लिप देखी होंगी कुएं वाली, यहाँ पे पापा और मैं नहा रहे थे, तो वो क्लिप हैं कम से कम 4-5 महीने पुराने वाली क्लिप हैं वो। तो पापा और मैं गए थे तो वो क्लिप मेरे GoPro में पड़ी थी फ़ोन में, तो मैंने सोचा क्या वो डाल दूँ, यादें होती हैं ना कुछ, तो इसलिए। तो क्लिप अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो भाई टाइम हो रहा है 7:38 हो रही हैं, इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। और आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट चैनल को ना सब्सक्राइब और जितना हो सका अपने भाई को सपोर्ट। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। इससे बंद कर देना जब मैं बोलूँ, जब मैं जा रहा हूँ यहाँ से देखते रहो तुम, यहाँ से देखते रहो मैं कैसे जा रहा हूँ। देख लो इसकी तरफ मार दो हाथ, हाँ मुझे देखो, इधर देखो, क्या तुम्हारा अंगूठा आ रहा है, हाथ आ रहा है कैमरे पे, हाँ अब आएगा सीधा, पकड़ के हाँ टाइट करके।